गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि और आपकी सुरभि। हाँ, मैं नहीं भूली, क्योंकि अगर मैं भूल जाती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करते हो, आपने बोला क्यों नहीं दी। ओके सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक वैसे आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो थ्री एंड थ्री पोर्टल है, ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपने कल कम्युनिटी में जो मैंने जो पोस्ट डाला था उस पर आपका कमेंट आया था कि ये टॉपिक आपको चाहिए, तो मैं हाजिर हूँ। तो आज देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस ये पोर्टल लेकर आएगा और आपको क्या कुछ करना चाहिए, वही देखते हैं। तो मैं पिक कार्ड रीडिंग आज रख रही हूँ। मैं आज कुछ और नहीं रखने वाली, ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स मैं कार्ड्स रखूंगी। तो उनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आपने रीडिंग देखनी है। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। आपको पता है कैसे करना है सिलेक्ट। आपका बर्थ डेट होगा वहां पर, उसके आधार पर आपने सिलेक्ट करना है ग्रुप और आपकी रीडिंग आप देख सकते हो। तो कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूंगी और निकाल कर रखूंगी। तो ये रहता है आपका पहला कार्ड। ओके, एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। अगला देखते हैं। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन एंड द थर्ड ऑप्शन इज ओके। तो ये सारे कार्ड्स मैं आपको जरा पास से दिखा देती हूँ, देख लो। तो इनमें से एक कार्ड आपने सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से इन पर मेडिटेट करें, देखिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है, वही आपने सिलेक्ट करना है। ओके, एंड देन आपको आपकी रीडिंग देखनी है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है। ये जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और इसके बाद मैं क्या बोलने वाली हूँ बताना मुझे। एंड हाँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ। जिनको डेट्स मैंने दे दिए हैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ। नए लोगों को अभी डेट्स मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, मुझे कहीं जाना है, तो मैं रीडिंग्स अभी नहीं कर पाऊंगी। जब मैं शुरू करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप चैट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ही नहीं रखा, बट वहां पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे चैनल से जुड़े हुए, रीडिंग्स से जुड़े हुए, क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स से जुड़े हुए। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ और जानना है तो आप मेल कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है उस पर से। और चाहे तो हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं 709 क्रिस्टल कॉर्नर, तो वहां पर भी आपको स्टॉक मिल जाता है समटाइम्स रीडिंग्स का, और आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, एनर्जाइज्ड मिलेंगे आपको। ऑलराइट गाइस, तो चलिए, आप आई एम श्योर आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया होगा आपके लिए। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स, तो लेट्स सी ये जो पोर्टल है ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। मैं आपकी करंट एनर्जी देखना चाहूंगी पहले तो, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस हैं जो कि आप अभी देखने वाले हैं इन अपकमिंग डेज। ओके, थ्री ऑफ कॉइन्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, टेम्परेंस, डेविल। व्हाट?
टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ. ओके, तो रिसेंटली आपने खुद ही कुछ एंड किया है. ये आई थिंक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है. अगर आप मैरिड हैं तो हाँ, तब तो श्योर हूं कि ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको आपने एंड किया. अगर अनमैरिड हैं तो ओके, अगर आप मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा आपके पार्टनर का. अगर आप अनमैरिड हैं तो ये कुछ भी हो सकता है. मे बी ये आपके पार्टनर को लेकर हो, मे बी आपके फ्रेंड्स को लेकर हो. किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है बहुत अच्छी और आपको पता नहीं था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपको उलझा कर रखा जा रहा था, आपका यूज किया जा रहा था, एंड देन जब आपको पता चला तो आपने इसको खत्म कर दिया. अब क्योंकि आपने खत्म किया तो सिर्फ खत्म करने से कुछ नहीं होता, उसके बाद के असर रह जाते हैं, तो उसको हील करने का काम अभी आप कर रहे हो, ये सोचकर कि ये जो सिचुएशन थी ये कार्मिक थी, क्योंकि यहां पर द डेविल है. सो अभी हाल फिलहाल की करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप खुद को हील कर रहे हो, क्योंकि ये डेथ, ये मोमेंट होने से पहले आपकी लाइफ कुछ इस तरीके से थी, यानी कि टेन ऑफ कप्स, सब कुछ था आपके पास एंड आप काफी खुश थे. यहाँ पर भी अगर आप देखें तो तीन लोग हैं एंड यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स है ही. ओके, तो ये जो खुशी थी आपकी था तो ये भ्रम ही, बट जो भी है, जब तक पता नहीं था तब तक आपको यही लग रहा था कि कंप्लीट है सब कुछ, एंड जब ये मोमेंट आया उसके बाद चीजें पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हैं. तो हाल फिलहाल में आप बस अपने आप को हील कर रहे हो और किसी भी तरीके के कार्मिक बंधन, अगर आप मानते हैं तो, उनको एंड करने की कोशिश कर रहे हो. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि आप फाइनली वो करना चाहते हो जिससे कि आपको खुशी मिले, उसमें अगर कोई आपके साथ हो भी नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप अकेले भी हैं तब भी आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपको किसी का सहयोग नहीं चाहिए, क्योंकि पहले किसी के साथ ही थे आप और फिर भी आप संतुष्ट नहीं रहे, तो अभी आप सोचते हैं कि ठीक है, अगर अकेले खुशी मिलनी है तो अकेले ही ठीक है. आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं. ये चल रहा है आपके माइंड में और इस पर आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये कर लेंगे, और हाँ आप ये कर लेंगे बेशक. और देखते हैं, दी वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, वो सब कुछ जो आपको संतुष्ट नहीं रखता है आप उससे आगे बढ़ रहे हैं. द वर्ल्ड का कार्ड यहां पर कहता है कि आप चाहते हैं कि अब जो भी हो आपकी लाइफ में वो आपके अनुसार हो, किसको रहना है किसको नहीं रहना है, क्या आपकी लाइफ में आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो आप डिसाइड करें. यू आर द यूनिवर्स, जो एक कार्ड है आई थिंक साई बाबा डेक में, मे बी, तो उसमें है ये कार्ड, तो वही मुझे याद आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आप खुद यूनिवर्स हो और आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो एक हद तक, लेकिन फिर कुछ चीजें भगवान पर भी छोड़नी पड़ती हैं. बट एनीवेज अभी के लिए ये काफी अच्छा है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो हाँ करो करो, मेहनत करो. बहुत कुछ बदल लोगे. हाँ ऐसा है, मैं भी करती हूँ. तो ये करेंटली चल रहा है. अब हम देखेंगे कि ये जो 3-3 पोर्टल है ये आपके लिए क्या लेकर आएगा, जो कि हमारा सवाल है आज की रीडिंग का. और सवाल तो है डेक कौन सा यूज करूँ, ये कर लेती हूँ. नहीं, ये करते हैं.
ऐसी सोच रखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो ये अच्छी बात है अगर ऐसा कर रहे हो तो। मैं पर्सनल रीडिंग्स में बोलती हूँ लोगों को अपने लिए ऐसा सोचने के लिए, लोग डर जाते हैं, नहीं हम कैसे कर पाएंगे, नहीं होगा हमसे, लेकिन आप कर रहे हैं, बड़ी बात है। आई अप्रिशिएट। ओके, तो यहाँ पर आता है आपके लिए एट ऑफ व्हील्स, जो कि है एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। ओके, थ्री ऑफ कप्स, एंड देन यू हैव स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। तो ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? पोर्टल लेकर आ रहा है आपके मेहनत का फल। ओके, थ्री, आई थिंक आपका तीन से कुछ ज्यादा ही लेना देना है, और आज आज पोर्टल भी वही है। कुछ ज्यादा ही आप कनेक्टेड हैं। सी थ्री ऑफ व्हील्स अगेन, तो सॉरी मैं आपके पास्ट को लेकर नहीं बात कर रही हूं, लेकिन कुछ तो है, बार 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 हो सकता है आपको नंबर्स भी यही दिख रहे हो, बट दिस टाइम ये जो थ्री यहां पर है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपकी इच्छा से है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ये सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन आप बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना। ये सेंटर में आप हो और ये दो लोग और हैं जिनको शायद आप इनवाइट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी कहो, तो आप इनके साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुश हो। तो फाइनली जो आप चाहते थे वो हो तो रहा है, बट यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं कहूंगी कि ट्रस्ट इश्यूज हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर, और मैं चाहूंगी कि आप इस पर काम करें, क्योंकि ये चीज अगर यहाँ पर अटक गई ना तो फिर ये कहीं नहीं जाने वाली। आप आगे जीवन में आगे कितना भी बढ़ जाओ, लेकिन ये एक चीज हमेशा रह जाएगी जो कि आपको ट्रिगर करेगी। इसके लिए बेटर होगा कि आप खुद को हील करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ ब्लाइंडली किसी पर भी भरोसा कर लो, किसी को भी अपनी लाइफ में आने दो, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कभी ये नहीं कहती और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम ज्यादा सावधानी करने की वजह से जो अच्छे लोग आने वाले होते हैं हमारी लाइफ में, हम उनको भी रोक देते हैं, है ना, तो वो गलत हो जाता है। तो इतना आगे तक नहीं बढ़ना है, इतना ज्यादा नहीं करना है, लिमिट से ज्यादा नहीं करना है। शक करना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में। ओके, तो यहां पर थोड़ा आप काम कर लीजिए, बाकी तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है। मैं आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए देख रही हूँ, एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हुए देख रही हूँ, हिम्मत आ रही है आपके अंदर, अच्छी बात है। वैसे तो खैर थी, अदरवाइज तो यहाँ पर ये डेथ मोमेंट कैसे आता, बट मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट देख रही हूँ, यानी कि जितना आपके पास है उससे ज्यादा होगा, आप जिसके लिए भी प्रयास कर रहे हो। लेकिन अपने डर पर या अपने जो भी इश्यूज हैं आपके, जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक सकती है, उस पर काम करो। कुछ फ्रेंड्स भी आपको मिलने वाले हैं, तो ये अच्छा है, और भरोसा करिए उन पर। जहां तक मैं देख पा रही हूं, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए आप डरें, ठीक है। और क्या है, और देख लेते हैं क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कोई बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं अभी, ठीक है, आपके लिए टाइम अच्छा है। कौन करना चाहता है मुझे बताना कमेंट में। टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये हुई ना बात। तो दिखाइए सबको कि जरूरी नहीं है कि अगर कुछ खत्म हो तो वो वापस से शुरू नहीं हो सकता। थ्री ऑफ वेंड्स, कुछ लोग हो सकता है किसी और दूसरी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हैं, वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किया है, तो उनका काम बन जाएगा, हो सकता है 1 से 2 दिनों में आपको गुड न्यूज मिले। एंड सिक्स ऑफ वेंस है यहाँ पर विद दी एम्परर, तो भाई आपकी चलने वाली है, चलाइए चलाइए, लेकिन बैलेंस्ड रहिएगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आगे जो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर,
एक चेंजेस हैं और वैसे ही हैं जैसे कि आप चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं चाहोगे वो हो जाएगा। एक तरीके से चाबी है अभी आपके हाथों में, आपको पता है कि कौन सा ताला कब खोलना है, तो ठीक है, अच्छा है। और आप की लाइफ में जो भी एंडिंग्स हुई हैं उनको आप इतना इतना लाइटली ले रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि उनको पॉजिटिव समझ रहे हो, पॉजिटिव है भी, समझना क्या है, पॉजिटिव तो है ही, तो ये अच्छी बात है। और आगे बढ़ रहे हैं आप, बढ़िया आगे। अच्छा, आप कहाँ पर जाएंगे देखना चाहती हूँ हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ पर सब कुछ जाएगा। तो मैं ये वाला, ये ओरेकल कार्ड्स यूज करूंगी। आप ट्रेवल कर रहे हो कुछ 2 से 3 दिनों में, और जहां के लिए भी ट्रेवल कर रहे हो आप, आपको ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लगे कि ये जो भी है अननोन है और पता नहीं क्या होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, आप जगह बदलते हो, कहीं जाते हो, आप जाओ। हाँ, ये मुश्किल होगा, ये मैं भी आपको बता दूं, ये मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद 1, 2 एंड 3 जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हो ना, आप वहीं, आप ऐसे ही वहां पहुंचोगे। तो अगर आप रुक गए, आप डर गए, तो जो भी आपने एक अपना गोल सेट करके रखा है, वहां पर पहुंचने में आपको फिर बहुत देरी लग जाएगी। ओके, तो कोई तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, या कोई मौका, सी द वर्ल्ड, मौका मिलेगा तो आप इसको छोड़ना नहीं, ठीक है ना। द वर्ल्ड एंड एक्शन, ओके, ये मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। अगर आपको मौका मिलता है कहीं जाने का, कुछ नया करने का, जगह बदलने का, तो करो, मुश्किल लगेगा लेकिन फिर भी करो, ठीक है। और अगर घबराहट होती है, क्योंकि द टॉवर है यहां पर, तो मे बी आप नर्वस फील करें, तो इसके लिए मेडिटेशन। आप इस बात से ना घबराएं कि दुख मिलेगा, क्योंकि आई थिंक आप बहुत अच्छे से अब इन चीजों को समझ चुके हो, आपको पता है अगर मिलता भी है दुख तो ठीक है, डरना नहीं है, फेस करना है। तो क्योंकि यहां पर मैं दिखा देती हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे, ब्रोकन हार्ट है यहाँ पर, तो मे भी कुछ चीजें ऐसी हों जो कि आपको अच्छी नहीं लगे, लेकिन आपको पता है जो चीजें अच्छी नहीं लगती जरूरी नहीं कि वो अच्छी नहीं है, एंड आई थिंक ज्यादातर वो अच्छी होती हैं दिल दुखता है तभी हमें होश आता है, तो ठीक है, चलता ही है। तो ये पोर्टल क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो करने का मौका मिलेगा जो आप, जो जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, और बेशक ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो इस जगह पर पहुंचोगे, दी एम्परर, जहां पर हम सभी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है एम्परर बनना, राइट। हल्के में लेना है चीजों को, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, और बस आगे बढ़ते जाना है, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। ये कार्ड्स मैंने आई थिंक सत्यवेद साथी के ऊपर जो रीडिंग करी है उसमें भी आए हैं, तो आप चाहें तो उसका भी रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, जानकारी लें, आगे बढ़ें, एंड नो यू आर लव्ड। तो अगर ये जर्नी आपकी रिलेशनशिप को लेकर है, तो भी मैं वही कहूंगी कि आप आगे बढ़िए, आपने रुकना नहीं है। एंड वन मोर थिंग, वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, बोलने में हो सकता है आपको दिक्कत होती है, बोलिएगा। अगर आप चाहते हैं हैप्पी फैमिली, अगर आप चाहते हैं ये पोजीशन, तो बोलना सीखें, ओके ये काम करेगा, चुप रहेंगे तो दिक्कत होगी। ऑलराइट, और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं और क्या रिसीव आप करने वाले हैं। ये वाले कार्ड्स मैं देखूंगी, वही ओके, विक्ट्री, गुड हेल्थ, प्रमोशन, पावर, मैंने बोला ही आपको, एंड यू
हैव अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल कम्युनिकेशन टू बी रिसीव्ड. तो अगर किसी से बात करना है तो वो भी हो सकता है ये काम आपका बन जाए. इंटरव्यू वगैरह दिया है तो उसमें सक्सेस के चांसेस हैं. बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन रे ऑफ होप. करियर में भी कुछ अच्छा दिख रहा है, नई फ्रेंडशिप भी होगी, रिलेशनशिप बनेगा जो कि मैंने आपको पहले बताया था. तो ये सब कुछ आप रिसीव करेंगे आने वाले इन दिनों में. ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक रीडिंग कंप्लीट होती है. कुछ और है तो देख लेती हूँ. फाइनल मैसेजेस कुछ. ओके, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन. बहुत ज्यादा पास्ट का नहीं सोचें और ना ही पास्ट के साथ में कुछ ज्यादा कंपेयर करने की जरूरत है. मूव ऑन. ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई होगा. पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय. हाय ऑल. तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आज आपके लिए. तो रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ कि जो भी करंट एनर्जी है चेक करूंगी, पहले आपको बताऊंगी. अब देखिए कितना आपसे रेजोनेट होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पोर्टल है ये क्या लेकर आ रही है आपके लिए. ओके, जो भी गाइडेंस होगा उसे फॉलो करिएगा. रीडिंग पूरा सुने आप लोग प्लीज. आप लोग गाइडेंस नहीं, जो भी दिया जाता है वो नहीं सुनते हैं. किस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है वही सेम क्वेश्चन आप फिर कमेंट करते हो उसको लेकर कि ओके ऐसी प्रॉब्लम है, अब क्या किया जाए. क्या करना है वो मैं पहले ही बता देती हूँ वीडियो में. बोलते नहीं है क्या आप लोग? ओके, चुप चुप रहने वाले लोग. सिक्स ऑफ वेंड्स, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, हरमिट. मैं आपको बोल रही थी. एंड देन यू हैव हैंगमैन. अरे वाह, तो चीजें तो काफी अच्छी जा रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप थोड़े से अनश्योर नहीं. ओके, यहां पर वेट चल रहा है, आप वेट कर रहे हैं कुछ होने का. इस प्रतीक्षा को साइड में रखते हुए अगर हम देखें तो एनर्जी काफी पॉजिटिव है. कुछ आई थिंक नया नया कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जो कि आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. मे बी ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स है. तो मे बी आप किसी से मिले हैं और आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, आपको काफी अच्छा लग रहा है उनके साथ बात करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं और खुशी मिल रही है आपको जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और कुछ सिखा भी रहे हैं. डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कोई तो एक बड़ा डिफरेंस, वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन कोई एक तो बहुत बड़ा है अंतर. लेकिन इस अंतर की वजह से आपको लगता है, डिफरेंस की वजह से आपको लगता है कि ये अट्रैक्शन है. तो वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड रीडिंग. बट यहां पर आपको वेट करना पड़ रहा है, वो आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है लेकिन फिर भी वही है कि ओके, अगर आप दोनों दूर, एक दूसरे से दूर हैं, दूरी है यहां पर, आप लोग कभी मिले नहीं हैं, तो हाँ परेशान होना बनता है. आप चाहते होंगे मिलना, कि सामने से देखें, बात करें, कैसा लगता है. तो एट ऑफ कप्स, आप थोड़े से उदास होते हैं. और थ्री ऑफ कप्स, आपको लगता है कि ये मोमेंट है, ये टाइम है. टाइम का पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तो अभी ये जो टाइम है इसमें सेलिब्रेट करना चाहिए इस मोमेंट को. वो नहीं हो पा रहा किसी वजह से. एंड आई डोंट सी कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो या खुद को ब्लेम कर रहे हो. आपको लगता है टाइम,
मीन सिचुएशन ऐसी है कि ये नहीं हो पा रहा. सो खुश हैं आप, लेकिन बस ये वेटिंग मोड में रहने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है आपको. कैसे भी करके आप चाहते हैं कैसे भी करके ये दूरी हटे, हमारी मीटिंग हो, हम सेलिब्रेट करें. ऐसा नहीं है सिर्फ आपस में ही आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आई थिंक आप और लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हो और उसके लिए मिलना जरूरी है. तो ये करेंटली चल रहा है. अब देखते हैं कि ये जो पोर्टल है ये क्या लेकर आ रहा है, क्या यहीं पर कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे या इससे अलग कुछ है. आओ इसका पता लगाएं. जिसके साथ भी रेजोनेट करेगी ना 100% करेगी, मैं श्योर हूँ. क्लियर मैसेजेस हैं, बिल्कुल क्लियर. ओके एस ऑफ वेंस हैंग्ड मैन, ओके किंग ऑफ वेंस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स. बस यहीं पर दिक्कत होती है. व्हील, द व्हील यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून. ओके, अगर आपके मन में ये डाउट है कि ये कनेक्शन आगे चलेगा नहीं चलेगा, फ्यूचर है या फिर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये डेस्टिनेड है, ये कहीं नहीं जाने वाला. ये कनेक्शन आपको मिला है और सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमेशा आपके साथ आपके पास रहे. रीजन ये है कि ओके, अभी तो सिर्फ मैं देख रही हूँ अट्रैक्शन है एंड इमोशनली भी आप कनेक्टेड हो, वो चीजें हैं, लेकिन इस कनेक्शन का मेन पर्पस है एक दूसरे को कुछ सिखाना एंड हीलिंग करना. तो जिनसे आपकी मीटिंग हुई है, बेशक उनके पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनसे वो हील नहीं हो पाए, और आई थिंक आपके साथ भी वही है. तो आपकी हीलिंग हो और उनकी हीलिंग हो, हीलिंग करने के बाद में कुछ तो आप लोग ऐसा करते हो जो कि एक जैसा है. अब कोई भी काम हो आपका, आई थिंक कोई काम ही है क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ तो आप ऐसा करते हो. अगर आप मुझसे पूछो यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं, मुझे लगता है आप हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, हीलिंग वर्क करते हो. आप भी करते हो, वो भी करते हैं. तो यूनिवर्स ने जो आप लोगों को मिलवाया है इसलिए क्योंकि आप पहले तो एक दूसरे की हीलिंग करो, उसके बाद आप दोनों मिलकर दूसरों की हीलिंग करो, दूसरों को गाइड करो. ठीक है, ये पर्पस है, मेन पर्पस. अट्रैक्शन है यहाँ पर, लव है यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहें. नहीं होगा अट्रैक्शन, नहीं होगा लव, तो आप लोग नहीं जुड़े रहेंगे. कोई रीजन ही नहीं बनता ना, क्यों जुड़े रहेंगे आप किसी से, सोचने वाली बात है. तो इसलिए ऐसा है. तो सिर्फ यहां पर ये सिर्फ इतना नहीं है, टू ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड है एंड यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स है कि अरे ठीक है, अच्छा लग रहा है, बात करना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और बस यहीं पर खत्म हो गई कहानी. नहीं, ऐसा नहीं है. आप जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहने के लिए बड़ा पर्पस है और आप लोग एक दूसरे के साथ रहकर ये पर्पस पूरा करें, अच्छा रहेगा. सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है. और अवेकनिंग है आप दोनों की ही. यहां पर जो मेल एनर्जी है उनके लिए भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि आई थिंक उन्होंने अपने लाइफ जीने का ना एक 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 तरीका सा बना लिया था कि ओके मुझे ऐसे जीना है, ये सच है, मुझे सच के साथ आगे बढ़ना है. आपके आने की वजह से अब वो कुछ और चीजें भी देखेंगे. अब आप मेल हैं फीमेल हैं आप खुद ही देख लें किसके साथ कैसे रेजोनेट कर रहा है. तो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए. सो अब ये दूसरा पहलू देखेंगे. और अगर आप फीमेल हैं तो आप की लाइफ में भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. मे बी आप कुछ लोगों को छोड़ें क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ कप्स है. आपको ये समझ आए कि कौन अपना है आपका, कौन नहीं है, और आप उनसे मूव ऑन करें. और जिस दिशा में जाएंगे, जो दिशा आप पकड़ने वाले हैं, जो डायरेक्शन लेने वाले हैं,
उससे आपकी ग्रोथ भी है, प्लस आपका जो भी सोल पर्पस होगा वो आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये चलने वाला है आगे। तो आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो मीटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दूसरा सेल्फ रियलाइजेशन। तो कुछ ऐसा होगा जिससे आपको खुद के बारे में कुछ चीजें पता लगेंगी जो कि अभी तक पता नहीं थी। ओके ये आपसे कुछ ऐसा कहेंगे या कुछ ऐसा ये कर देंगे जैसे कि आप थोड़े से ट्रिगर हो सकते हो, लेकिन फिर कुछ चीजें, कुछ बातें आपको आपके बारे में पता लगेंगी। और नंबर टू मीटिंग हो सकती है। ओके इसके अलावा क्या है देखते हैं। मैं ये वाला टेक लूंगी। What else do we have? Ace of Wands, Five of Wands, जो कि मैंने आपको बोला ही, हेरोफेंट, मैंने आपको कहा था हीलिंग वॉक एंड सी, यहाँ पर हेरोफेंट है। कोई है जो गुरु की पोजीशन पे है, आप हैं या जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो, या फिर आप दोनों। एंड यहाँ पर हरमिट अगेन, फिर वही एनर्जी। कुछ सवाल चलते हैं आपके मन में, और जिनके साथ में आप डील कर रहे हो उनके मन में भी सवाल रहते हैं। एक्सक्यूज मी, यू डोंट हैव ऑल द आंसर्स। ओके पेज ऑफ व्हील्स, आप दोनों मिलकर कुछ नया शुरू कर रहे हो अपने अपने तरीके से, अपने अपने टैलेंट से। ये अपनी जगह टैलेंटेड हैं, आप अपनी जगह टैलेंटेड हो, और आप अपने तरीके से और ये अपने तरीके से कुछ मिलकर शुरू करने वाले हो। कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, वो उस पर आप दोनों काम करोगे। एंड यहां पर द डेविल का कार्ड है विथ दी स्टार। ये कुछ कार्मिक है, कर्म को लेकर, तो इस पर आप दोनों काम करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, और काफी सक्सेसफुल भी रहेंगे आप लोग। मुझे नहीं पता किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है, काफी स्पिरिचुअल है और मैं ये भी नहीं जानती कि कितने लोगों को समझ आएगा, बट एनीवेज जिसके साथ होगी, मैंने कहा ही पूरी तरीके से होगी, वरना बिल्कुल नहीं होगी। नेवर एंडिंग स्टोरी, पीस, तो ये कनेक्शन हैप्पी हैप्पी। ओके ये सुकून देगा और खुशियां भी देगा। तो ये आप रिसीव करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में या घंटों में। इसके अलावा आप क्या रिसीव करेंगे देख लेते हैं, ये पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आएगा या क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके लिए। लेट्स सी, बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, रे ऑफ होप, करियर में भी कुछ अच्छा होगा, नई फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, क्यूट बेबी, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, जो कि मैंने आपको बोला अभी बोला, एक्साइटमेंट, यू आर लव्ड एंड यू हैव बटरफ्लाई अगेन। ओके मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंस इज नॉकिंग, नई चीजें आएंगी और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। रेनबो, गुड न्यूज, इंट्यूशन। ओके तो ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देखते हैं कि ये जो पोर्टल है आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। तो कैसे रीडिंग करूंगी मैं, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी मैं चेक करने वाली हूँ, करेंटली क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है वो। उसके बाद मैं देखूंगी कि ये जो पोर्टल है क्या चेंजेस लेकर आएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके सन मजिशियन, अरे वाह, हाई प्रिस्टेस। ओके टू
ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, लकी यू। ओके, तो ये फाइव ऑफ कप्स यहां पर क्यों आ गया फिर? ओके, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द सन, देन द मजिशियन, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड द टावर। सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं। अब ये मे बी किसी कनेक्शन को लेकर है, आप चाहे तो पाइल टू भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। ये आई मीन टू से, ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, ये किसी पार्टनरशिप को लेकर है, अब वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ। ये पार्टनरशिप आपने खुद मैनिफेस्ट करी, आपके मैनिफेस्टेशन काम कर गई, एंड देन आपको ये पार्टनरशिप मिली है या ये कनेक्शन आपको मिला है। अब आपको डर ये लग रहा है कि ये खो नहीं जाए कहीं, चीजें बिगड़ नहीं जाए कहीं। ये कई बार होता है, मेरे पास आते हैं लोग काउंसलिंग के लिए, तो बोलते हैं कि हमने ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया और वैसा पार्टनर हमें मिला भी, लेकिन ये दिक्कत हो गई। जैसे कि कुछ दिनों पहले ही मेरे पास एक लड़की आई थी, उसने मुझे बोला कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जिसकी इस कंपनी में जॉब हो, वो इतना अर्न करे और उसकी हाइट ऐसी हो और उसके लुक्स ऐसे हों, और वो सब कुछ उसे मुझे बताया। और वो बोली कि ऐसा ही एक बंदा मेरे सामने आया, लेकिन फिर आखिर में मुझे पता चला कि वो मैरिड है। और वो इतना परेशान थी, इतना रो रही थी कि, और खैर रोने वाली बात भी है, आप किसी को इस कदर मैनिफेस्ट कर रहे हो और फिर सामने से वो मिल भी जाता है आपको, एंड फिर ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो क्या किया जाए? तो आई थिंक वही कुछ आपके साथ भी हुआ है, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया पॉजिटिव रहते हुए और वो आपको मिला भी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि टिकेगा नहीं। अब ये कुछ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं पर भी हो। तो ये सिचुएशन है अभी, करेंटली ये चल रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। और मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि नेगेटिविटी हमेशा हावी पड़ती है पॉजिटिविटी पर। तो जो नकारात्मक विचार है ना, वो ज्यादा हम पर प्रभाव डालते हैं अगर हम उनको हावी होने दें, अगर हम उनको सहयोग करें। अब सहयोग से मेरा मतलब ये है कि जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हो तो आपको तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि उसका असर मिट जाए, लेकिन लोगों की आदत है कि जब कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो उसको और बढ़ावा देते हैं। तो सैड सॉन्ग्स सुनेंगे, या फिर तो ऐसी मूवीज देखेंगे जिसमें रोना धोना हो, या फिर अपने उस विचार को हवा पानी सब देते रहते हैं कि बेटा पल जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, तो ऐसे करते हैं। तो वही आप कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें आपको दिखी हो सकता है, कुछ साइंस आपको मिले हों, और उसके बेस पर आपने ये सोच लिया है कि फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा जैसे कि आप चाहते हैं। तो ये करेंटली चल रहा है। अब देख लेते हैं कि ये जो पोर्टल है ये आपको क्या बताने या समझाने आया है या क्या आपको समझना चाहिए। वैसे आप मुझसे पूछे तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए आपको। शुरुआत आपकी द सन से हुई है एंड एंडिंग आपके यहाँ द टॉवर पर हुई है, नॉट गुड। आप बहुत समझदार हैं, सारी चीजों को समझते हैं, आप मजिशियन की एनर्जी है, आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आप जानते हैं इनर वर्क कैसे काम करता है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रही है, आपने हो सकता है रिकी हीलिंग करी हो या कोई भी तरीका अपनाया हो, और इसी का परिणाम है ये टू ऑफ कप्स, एंड देन आप ऐसे जा रहे हो फाइव ऑफ कप्स इन द टॉवर। ये कहाँ की समझदारी है भाई, हो तो, लेकिन कुछ और हावी हो रहा है, समझदारी पीछे हट जा रही है उस पर कुछ और हावी हो रहा है, समझदार तो हो। लेट्स सी क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ वेंस, वेरी गुड, स्ट्रेंथ, अरे वाह इतनी जल्दी चेंज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेथ, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह। तो ये क्या मेरी डांट लगाने की वजह से हो गया? ओके, तो आगे तो काफी पॉजिटिव चेंजेस हैं,
वापस से मैं आपको उतना ही कॉन्फिडेंट देख रही हूँ, स्टेबल देख रही हूँ, एनर्जी लेवल वापस आता हुआ देख रही हूँ। चेंजेस हैं यहाँ पर, बड़े चेंजेस हैं। डेथ के साथ में रीबर्थ, यानी कि जो डर है आपका उसको एंड करते हुए आप फिर से आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। वेरी नाइस, ये अचानक से इतना चेंज बट गुड, ऐसा ही होना चाहिए। और क्या है, सिक्स ऑफ कप्स, टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये देखो, हुई ना बात। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि इस पोर्टल में आप अपने पास्ट को याद करने वाले हो, और आप करो भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने भूतकाल में जाते हो तो आप खुद को स्ट्रेंथ की एनर्जी में पाते हो, आप काफी मजबूत रहे थे, और आई थिंक आप उनमें से नहीं हो जिसको किसी और की जरूरत पड़े, आपको मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा कि मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, मैं खुद ही कर लेती हूँ खुद को। तो आप कहीं ना कहीं वैसे ही हुआ करते थे, तो आप वापस से याद करने वाले हैं वो दिन, और वापस से आपके आपकी जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस में लेकर आने वाले हैं। और ये जो कंफ्यूज्ड सी एनर्जी है, ये जो लो एनर्जी है, इसको एंड करके आगे बढ़ने वाले हैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स है विद हेरोफेंट, और यहाँ पर आता है आपके लिए फोर ऑफ वैंड्स। तो यही आपको चाहिए था, राइट? सेलिब्रेशन, मैरिज और कमिटमेंट, समथिंग। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर सेलिब्रेशन चाहिए, आप चाहते हो विक्ट्री मिले, तो ये सारे ही कार्ड्स वही बता रहे हैं। तो फाइनली आप वहां पर पहुंच जाओगे, स्टेबल महसूस करोगे, जिम्मेदारियों को उठाओगे। अगर बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं आप लोग, कोई काम नहीं कर रहे, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं तो अगर ऐसा है तो आप उससे बाहर निकल आओगे बहुत ही जल्द, आई थिंक रीडिंग देखते ही। एंड क्योंकि ये सिर्फ आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ओवर थिंक कर रहे हो। कुछ होता तो मैं आपको बताती, आप जानते हो ना, ठीक है, ये सिर्फ आपका भ्रम है। देखो यहाँ पर मून की एनर्जी है, एंड इसके साथ में द लवर्स, तो मे बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप लोग, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है ऐसा एनर्जीज का अप एंड डाउन होना। बट जो भी है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं देन आप सरेंडर के कॉन्सेप्ट को भी जानते होंगे। फूल की एनर्जी यहाँ पर, ये देखो एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, तो अबंडेंस है, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप डरेंगे, इतना ज्यादा फ्यूचर का सोचेंगे, तब तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ये और देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। ठीक, ये वाला डेक देखती हूँ, इस वाले से। डेविल, पेज ऑफ व्हील्स, जजमेंट, चैरियट, मेजर काना जा रहे हैं आपके लिए, द सन अगेन एंड द मून अगेन। ओके, तो ये मूड स्विंग्स होते रहते हैं आपको, आप ना वो पहना करो मून स्टोन, ओके, ये ऐसा पहना करो इसको। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, जहां पर अटैचमेंट होता है वहां पर दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, कोशिश करो डिटैच होने की। डिटैच होने से मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोगों से बात करना बंद कर दें, मैं पहले भी बता चुकी हूं। डिटैच होने से मेरा मतलब है कि फर्क कम पड़ना चाहिए चीजों का, बातों का, वो करने की कोशिश करो। सन की एनर्जी वापस से आपके लिए आई है, बहुत लकी हो, पता है सन का कार्ड नहीं आता जल्दी किसी के लिए, आपके लिए आया है। लेकिन सन एंड मून दोनों ही आ रहे हैं यहाँ पर, सन एंड मून है यहाँ पर भी, सन एंड मून साथ में ही आ गया है, तो और इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी था। तो काफी ब्रेव हैं आप और एक्टिव रहते हैं हमेशा, लेकिन कुछ चीजें, स्पेशली जब जहां पर इमोशंस आपके इन्वॉल्व हों वहां पर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो यहीं यहीं पर प्रॉब्लम है ना, तो इसको ठीक करना है। मेडिटेशन किया करो, ये ठीक हो जाएगा। ओके,
थोड़ा और लोगों की लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करो, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे लोग रहते हैं। आप बहुत ज्यादा खुद में ही रहते हो तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है आपको, फिर अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। आपको लगता है कि आपकी ही जिंदगी और किसी की नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप सेल्फिश हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस आपको जानकारी नहीं है दूसरे लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो थोड़ा लोगों से बात करो, रिलैक्स, आपके लिए आया है, रिलैक्स करो, टेंशन नहीं लो, ठीक है? ये फिर से कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मी, ये फिर से वही मैसेज देता है कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है, रिलैक्स रहिए आप लोग, ठीक है ना? एम्ब्रेस दी फ्लो ऑफ लाइफ, ओके? तो जैसा चल रहा है अभी, जो चल रहा है उसको एंजॉय करो, इतना फ्यूचर का नहीं सोचना है। वाई ये होता है आपके साथ, वाई टाइम टू गो, हैप्पी हैप्पी, ठीक है? तो अभी मैं यही कहूंगी आपको कि जैसा आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको आप जियो, बहुत ज्यादा फ्यूचर का मत सोचो, और फ्यूचर ब्राइट ही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि फ्यूचर का मत सोचो, कुछ बिगड़ेगा तो तब देखा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, फ्यूचर भी आपका अच्छा ही है, बल्कि बहुत अच्छा है, आपके लिए सन आया है। लेकिन ना क्या होता है, हम जैसा सोचते हैं फिर वैसी चीजें आ जाती हैं सामने। अब अगर आप मून की एनर्जी में रहते हो तो सन भी मून में ही चेंज हो जाएगा, राइट? लोटस, फैमिली टाइम, हैप्पीनेस, पार्टिंग, टाइम्स अहेड, अबंडेंस, ओके, न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज, तो ये सारी चीजें आप रिसीव कर सकते हैं आने वाले दिनों में। बटरफ्लाई आया है, मिस्टर प्रिंस और प्रिंसेस आपको मिल सकते हैं, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन, एंड यू हैव रैबिट, ओवरकमिंग फियर जो कि आपको करना है, फर्टिलिटी, प्रोजेक्ट विल मूव अहेड, तो ये सारी चीजें आप रिसीव कर सकते हैं। रेड सन फिर से आया है, देखिए बार बार आपके लिए सन आ रहा है, फेथ एंड पेशेंस, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। देखिए लिखा भी है, गॉड ध्यान रखेंगे इसका, आप थोड़ा फेथ रखो, यहां पर भी सन गॉड, ठीक, सुबह उठकर जल चढ़ाया करो सूर्य देवता जी को। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।